बाल एंड बाउल सिस्टम पर स्टूडेंट्स बात करते हैं, एक इजी प्रॉब्लम जिसमें हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी उसी प्रॉब्लम पर बात करेंगे एसएचएम में, कि अगर हमारे पास एक बाउल हो और एक उसमें हम बाउल को एसएचएम मोशन की तरह उसको एग्जीक्यूट कर ले उसकी मोशन को, सो उसकी जो एनर्जीज होगी, जो वेलोसिटी होगी, उसको हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अरेंजमेंट हम किस तरह बना सकते हैं। बाउल अगर आप देखें, सो जो घरों में आप बर्तन यूज करते हैं इस शेप के, इनको हम बाउल कहते हैं। देखिए, हम बना लेते हैं एक सिंपल फिगर इसकी, यू। ये हमारे पास आ गई फिगर बाउल की, बाउल, और इसके अंदर हम मूव करेंगे बाल को। तो किस तरह मूव करेंगे, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम कलर से शो करते हैं, डिफरेंट कलर से। अब ये जो आपको ऊपर वाला नीचे येलो नज़र आ रहा है, इसकी आउटर है, आउटर कलर, और जो पिंक वन नज़र आ रहा है इंटर, ये इसकी इंटीरियर वन है। सो देखिए, अगर हम ड्रॉ कर ले एक बाल के अंदर, एक ये तो हमारे पास बाउल आ गया, यहाँ पर हम एक बाल ड्रॉ कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, ये आ गया एक बाल। बाल को हम मूव करेंगे इसके अंदर, इसको हम एक थर्ड कलर दे दें ताकि ईजिली आपको नज़र आ जाइए। ये हमारे पास आ गया बाल। अब अगर देखें, इसको हम यहाँ से इस एंड से रिलीज कर ले, ये इसको हम यहाँ से मेंशन भी करते हैं, ये है बाल, बाल, और जो नीचे पूरा जो बर्तन की तरह आपको फिगर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं बाउल, बाउल, और इसके अंदर हम मूव करें किसको, बाल को। सो देखें, बाल को यहां से अगर आप देखें लेफ्ट एंड से, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एटरेस्ट है। सो जब ये एटरेस्ट है, सो इसके हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव नहीं कर रही, सो इसकी स्पीड और वेलोसिटी ये जीरो होते हैं दोनों। तो इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है वो जीरो है। अब देखिए, अगर इसको हम यहां से रिलीज कर ले, इस बाल को इस एंड से रिलीज कर ले, सो क्या होगा, जब इसको आप रिलीज कर लेते हैं, सो ये मूवमेंट स्टार्ट करेगा। अब सपोज कर ले, ये ग्लास का बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, आपको अंदर इसकी मोशन नजर आ रही है। तो देखिए, जो बाल है वो यू मूव करेगा, इस पाथ से नीचे मूव करेगा, यू यू आएगा, इस एंड तक यहां पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मोशन होगी जिस तरह के आप झूला देखते हैं, झूले को आप एक एंड से चौड़े तो दूसरे एंड तक पहुंच जाता है, तो इसकी भी मोशन इसी तरह होगी। यहां पर आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट से ये पास होगा, ये बाल इस पॉइंट से भी पास होगा, इसी तरह इस पॉइंट से भी पास होगा, यू इस सबसे जो लोअर पॉइंट है इससे भी पास होगा, इसी तरह इन सारे पॉइंट से गुजरेगा, सारे स्टेजेस से, और इस राइट एंड तक पहुंच जाएगा। यानी एक ही बाल है, ये जस्ट हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इसकी मोशन दिखाई हुई है कि एक टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद इसकी जो पोजीशन है वो ये होगी, फिर यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पर पहुंच जाएगा, इसी तरह। सो देखें, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमने ए पॉइंट से इसको छोड़ दिया, ये है पॉइंट ए, और ये बाल पहुंच जाता है पॉइंट बी तक, ये है पॉइंट बी, यहाँ से आपने इसको छोड़ दिया। सो जब देखें, पहले इसकी वेलोसिटी जीरो थी, हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी चूंकि वो इक्वल होती है, अगर आप इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, जो शेप है इसका मैथमेटिकल, वो है हाफ एम वी स्क्वायर। सो अगर आप वी को देखें, देखें मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, सो अगर वी जीरो है, वी को आप जीरो कर दें, सो पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी जीरो है, सो काइनेटिक एनर्जी जो है इस बॉल की, वो क्या होगी, वो जीरो होगी। अब अगर आप देखें, ये जो मोशन है इसकी, अब इसमें अप एंड डाउन मोशन भी इन्वॉल्व है, ये एक एंगल के साथ यू आ रहा है। तो देखिए, इसमें एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के भी आ रहा है और एक कंपोनेंट इसमें वर्टिकल के भी आ रहा है। यानी इसमें देखिए, ये इस हाइट से बॉल जो है जब इस लोअर पॉइंट तक पहुंचेगा, तो इसका मतलब है कि हाइट में कमी आएगी, और जब हाइट में कमी आती है, तो देखिए, जब हाइट इन्वॉल्व हो, अप एंड डाउन मोशन इन्वॉल्व हो, तो फिर वहां पर हमारे पास एक दूसरी एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच के इक्वल होती है। इसमें जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कि एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास इसका कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता, और जो चीज चेंज हो रहा है वो है एच, यानी इसकी हाइट जो है वो देखिए इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा है,
अगर आप ए पॉइंट पर देखें, लेकिन जब ये मूव करना स्टार्ट करता है तो इसकी हाइट डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर ओ पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो हाइट इसकी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, सबसे कम हाइट इसकी आ जाती है। और इसी तरह बी पॉइंट पर हाइट अगेन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, हाइट मैक्सिमम हो जाती है। सो देखें पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वो डिपेंड करती है किस पर, एच पर, क्योंकि बाकी जो जी और एम है वो इस केस में हमारे पास कांस्टेंट है। जी भी हमारे पास नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो इक्वल सॉरी कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट होती है, और मास भी इसका कांस्टेंट है, बल का वो चेंज नहीं हो रहा, सो जस्ट एच चेंज हो रहा है। और दूसरी कौन सी चीज चेंज हो रही है, दूसरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर आप इस पॉइंट पर देखें, बाल जो है वो एट रेस्ट है, अभी आपने इसको छोड़ा नहीं है, रिलीज नहीं किया है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन जब आप इसको रिलीज करते हैं तो इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ते क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी हमने एक टर्म पढ़ा ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन का, कि इसकी जो वेलोसिटी है हर एक सेकंड में इसमें इतना चेंज आता है, 9.8 इसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड के बाद चेंज होती है। यानी अगर पहले इसकी वेलोसिटी है जीरो, इसका मतलब ये है तो एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 9.8, इतना इसमें चेंज आएगा। दूसरी 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी फिर क्या होगी, फिर इसमें इतना चेंज आएगा, 9.8 प्लस 9.8 तो वो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, यानी हर एक सेकंड में इतना चेंज आता है। तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और इसके साथ हाइट भी चेंज हो रहा है। सो फर्स्ट अगर आप देखें, हाइट यहां पर मैक्सिमम है और वेलोसिटी जीरो है, जब वेलोसिटी जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर हमारे पास हो गई जीरो, चूंकि हाई वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इक्वल होती है एम जी एच के, तो अगर आप देखें हाइट यहां पर मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉइंट ए के ऊपर वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, और इसी तरह पॉइंट बी के ऊपर भी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर भी हाइट मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर जो हमारे पास टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो क्या होगी, ये हम पॉइंट शो कर रहे हैं, पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक वहां पर जीरो है। लेकिन जब ये मूव करना स्टार्ट कर लेती है, इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है, जब इस लोअर पॉइंट पर पहुंच जाती है ये बॉडी, ये बॉल जब इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो देखें यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए तो हम जानते हैं कि वहां पर फिर क्या होता है, वहां पर फिर काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किस पर, वेलोसिटी पर। सो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इससे नीचे जो है ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा, इससे फिर अगेन जो है ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, इसकी मोशन यू हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ओ के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा वेलोसिटी इसकी इस सिस्टम में नहीं होगी। सो इस पॉइंट के ऊपर फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए के ऊपर क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है और वो डिपेंड करती है किस पर, वेलोसिटी पर। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो हाइट इस पॉइंट पर सबसे कम है, देखें जब पॉइंट ए से आप नीचे आते हैं सो हाइट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जब यहां पर आप पहुंच जाते हैं तो ये इस बाउल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इससे नीचे ये बाउल नहीं जाता, फिर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये सबसे क्या है, लोएस्ट पॉइंट है। और जब सबसे लोएस्ट पॉइंट है इसका मतलब है कि सबसे कम हाइट है, और जब सबसे कम हाइट है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि जितना हाइट कम होगा उतनी एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो हाइट पर डिपेंड करती है। सो ओ के ऊपर, पॉइंट ओ के ऊपर, या अगर हम इसको यहां पर लेके पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ वो कितनी होगी, वो मिनिमम होगी, और अगर आप हाइट जीरो कर ले तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। सो ये इनकी एनर्जीज हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल होगी क्योंकि हाइट मैक्सिमम है, पॉइंट ओ के ऊपर टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम होगी, और यहाँ इन दो पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। बाकी जो बिटवीन इन पोजीशंस के दरमियान पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये जो ओ और बी या ओ और ए के दरमियान है, कोई भी पॉइंट आप ले लें, तो वहां पर जो टोटल एनर्जी है वो कुछ काइनेटिक होगी और कुछ जो है वो पोटेंशियल होगी, यानी पार्ट्स में होगी,
टोटल एनर्जी जो है वो दोनों दोनों की तरफ से वो कंट्रीब्यूट होगी।